सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। एक दिन की बात है, जब अप्पू घर पहुंचकर बेल बजाने ही वाले थे कि एक बुजुर्ग को अपनी तरफ बढ़ते पाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। अप्पू के लिए तो वो बिल्कुल अजनबी थे। जी, मुझे खलीलुर रहमान कहते हैं, हैदराबाद में मेरी रहाइश है। सुना था आप मकान बेचना चाह रहे हैं, इसी सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ। प्रोफेसर साहब ने उन्हें ड्राइंग रूम में लाकर बिठाया और रखरखाव से मुतासिर होकर सारी बात बता दी, सिवाय इसके कि घर में किसी किस्म के आसेब का शक है, क्योंकि खुद अप्पू अभी तक इस तजर्बे से नहीं गुजरे थे, इसलिए उन्होंने बताना भी मुनासिब नहीं समझा। आप हैदराबाद में रहते हैं तो फिर यहाँ घर क्यों लेना चाह रहे हैं? अरे साहब, आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? फिर वो नरमी से बोले, मैं इस मकान की कीमत का फैसला आप पर छोड़ता हूँ। आप शहर के किसी भी हिस्से में इतना ही बड़ा मकान पसंद कर ले, वो आपके ही नाम हो जाएगा, फिर ये आप मेरे नाम कर देना। देखिए, मैं सौदे में बेईमानी नहीं कर सकता। जिस कीमत में मुझे ये मकान पड़ा है, उस कीमत में तो शहर में इससे आधा घर भी नहीं मिल पाएगा। फिर हाउस बिल्डिंग का लोन और लोगों का कर्ज, मैं तो घर खरीदने की पोजीशन में ही नहीं हूँ। प्रोफेसर साहब ने सफाई से अपनी हैसियत बता दी। बुजुर्ग सहरी लब मुस्कुराए और फिर बोले, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप जल्द से जल्द मकान पसंद कर ले, मैं एक हफ्ते बाद आकर आपसे मिलूंगा। और हाँ, अभी इस डील के बारे में किसी को बताइएगा नहीं। अप्पू तो हैरान रह गए और उनके सामने से खलीलुर रहमान साहब भी चले गए। और अप्पू हैरत में डूबे सोच रहे थे कि क्या ये गैब की मदद है। अप्पू ने घर वालों को ये कहकर मुतमईन कर दिया कि किसी एजेंट ने कहक भेजा था। फिर उन्होंने घर देखना शुरू किया। उन्हें हमेशा से शहर के आबाद हिस्से में बसने की चाह थी। उनके जान पहचान के कुछ लोग भी वहाँ रिहाइश पजीर थे। उन्हें एक बंगला पसंद आया जो कि 240 गज पे था। बेहद खूबसूरत और नया बना हुआ था। उनको अंदाजा था कि इसकी कीमत कम से कम 1.5 करोड़ की तो होगी ही। फिर उन्होंने दूसरे सोसाइटी में भी 200 गज पर एक घर देख लिया। हालांकि उनको दोनों में से किसी एक के भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। अब उन्हें खलीलुर रहमान का पूरी तरह से इंतजार था और देखते ही देखते वो एक हफ्ते के बाद वहां आ गए। उम्मीद है कि आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, उन्होंने पूछा। घर पसंद तो कर लिया है, मगर मुझे अंदाजा है कि वो मेरी रेंज में नहीं है। आप इस घर की कीमत लगा दें, हम ये घर बेचकर किराए के घर में चले जाएंगे, फिर बाद में हम घर खरीद लेंगे, अप्पू ने हिचकिचाते हुए शर्मिंदगी से कहा। जब हम आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्यों फिक्र करते हैं? खलीलुर रहमान ने अप्पू को गाड़ी पे बिठाया और शहर की तरफ रुख किया। अप्पू को अब भी इस बात पर यकीन नहीं था। उनको लग रहा था कि शायद वो कोई ख्वाब देख रहे हैं। फिर एक हफ्ते बाद 240 गज का मकान उनके नाम हो चुका था। उन्होंने एहतियातन अपने दोस्त के जरिए मालूमात की। कोई शक की गुंजाइश नहीं थी, ना कोई लंबा चौड़ा केस था। पूरी पेमेंट हो चुकी थी और घर उनके नाम हो गया था। दूसरे दिन खलीलुर रहमान उनको अपने साथ कोर्ट में ले गए और एक दिन में उनका घर खलीलुर रहमान के नाम हो गया। फिर अप्पू की हैरत पर वो मुस्कुराकर बोले, आप किसी शक में ना पड़े और अपना सामान बांध ले शिफ्टिंग के लिए। आप अपने बेटी की शादी के लिए भी परेशान हैं, देखिएगा वो नया घर आपके घर वालों के लिए खुशनसीबी की अलामत साबित होगी और आपके बेटे और बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। उन बुजुर्ग की कही बात बिल्कुल सच साबित हो गई। ये घर उनके लिए बेहद अच्छा साबित हुआ। प्रोफेसर साहब का प्रमोशन हुआ और वो प्रिंसिपल बन गए और शहनाज के लिए बहुत अच्छे शरीफ घराने से रिश्ता आ गया। शहनाज तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी।
घर भी बेहद खूबसूरत और पुरसकून था। अम्मी खलीलुर रहमान को दुआएं देती ना थकती थी। एक दिन उन्होंने अब्बू से कहा, मेरा ख्याल है किसी दिन उन बुजुर्ग के घर चलकर शुक्रिया तो अदा कर दे, शहनाज की मंगनी की मिठाई भी खिला कर आएंगे। प्रोफेसर साहब को बेगम का सुझाव बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन बड़ा सा केक लेकर वो बेगम के साथ उनके घर पहुंच गए। बेल दे दे कर थक गए, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर तंग आकर उन्होंने एक पड़ोसी से पूछा, ये खलीलुर रहमान साहब क्या घर में नहीं रहते हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? उस आदमी ने हैरत से पूछा। ये घर पहले हमारा था और हमने खलीलुर रहमान साहब को बेचा था। आज हम इनसे मिलने आए हैं तो कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। हालांकि घर की लाइट्स भी चली हुई है और महसूस हो रहा है कि कोई अंदर है। जाइए जाइए, अपना रास्ता ना पिए साहब। जब से आप लोग घर से गए हैं तब से आज तक हमने इस घर में किसी को नहीं देखा। अलबत्ता रात को रोजाना लाइट्स जरूर चली होती है। अजीब बात है, ना समझने का ना समझाने का। लोग कहते हैं इस घर में जिन्नातों का बसेरा है, वाला आलम, लेकिन आज तक कोई अंदर नहीं गया। अगर कभी किसी बच्चे की बॉल खेलते हुए अंदर चली जाए ना, तो वहां से कोई बॉल बाहर फेंक देता है। जो कोई भी है, जिन या आसिफ, हमें कोई परेशानी नहीं, बल्कि उनकी वजह से पूरे मोहल्ले में सुकून है। ना चोरी, ना चकैरी, ना मर्डर। वापसी के सफर में प्रोफेसर साहब ने अपनी बेगम को तंबीह की, देखो बेगम, जो कुछ भी हमने सुना समझ लो सुना ही नहीं, भूले से भी किसी के सामने जिक्र मत करना। मुझे लगता है कि जो भी इस घर के गैर मरे मकीन थे, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग उस घर में रहे। वो हमारी मजबूरी को समझते हुए खुद ही मकान के खरीदार बनकर आए थे। उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमारा भला ही किया। इसलिए बेहतर है हम भी इस बात को भूल जाए और कभी भूले से भी किसी से और अपने बच्चों से भी इस बात का जिक्र ना करें। अम्मी ने भी दिल ही दिल में सोच लिया और वाकई फिर दोनों मियाँ बीबी ने इस बात का अपने बच्चों और किसी से भी जिक्र नहीं किया। लेकिन वो ये समझ चुके थे कि ये कोई नेक जिन बुजुर्ग थे, जिनको उनकी अपने घर में प्रोफेसर साहब और उनके फैमिली का रहना पसंद ना आया और कोई नुकसान पहुंचाने के बजाय उनके नए घर का बंदोबस्त कर दिया।